नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता और एक महिला के बीच आपत्तिजनक वीडियो चैटिंग के अंश वायरल होने के बाद सियासी उबाल और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बुधवार को हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायरल वीडियो का खंडन करते हुए कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, एडिट करके वीडियो को वायरल किया गया। साथ ही कहा, जहां जांच कराना है करा लिया जाए, मैं प्रशासन को हर सहयोग के लिए तैयार हूं। इस दौरान बन्ना ने विपक्ष पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि वीडियो वायरल पर इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन जब बीजेपी के वरिष्ठ विधायक के साथ होता है तो बीजेपी को सांप सूंघ जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरयू राय पर गंभीर आरोप लगाए, आगे पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। लगातार कुछ दिनों से मुझे बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश चल रही है और कहा जा रहा है कि अभी 3 मिनट का भी वीडियो है। मैं तो उन लोगों से कहता हूं कि 3 घंटा का भी वायरल करना चाहिए, 3 दिन भी करो और 10-20 और लोगों को खोज के सेटिंग वेटिंग कर लो और करके जितनी कोशिश है कर लो, जैसे बदनाम करना चाहते हैं कर लो, लेकिन मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जितनी भी साजिश करेगा वो साजिशें जो हैं वो एक ना एक दिन बेनकाब हो जाएंगी। वो कहते हैं कि सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। तो ये एक सोची समझी साजिश आदरणीय हमारे चाचा गोपीचंद जासूस और उनकी टीम मिलके कर रही है और लगातार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। पहले ट्विटर में आता है कि मंत्री जी ऐसा ऐसा प्रलाप कर रहे हैं, फिर कहा जाता है कि एकदम ये ओरिजिनल है, फिर कहा जाता है कि जो महिला दिख रही है उस महिला की सुरक्षा का जिम्मेवारी प्रशासन को लेना चाहिए, फिर ये खुद ही बताया जाता है कि महिला अमुक दुकान में काम करती है, अमुक जगह में रहती है। ये ट्विटर में सारा चीज़ दिया जाता है।